तो आपने अकाउंट खोला, हम आपको एक QR कोड दे देंगे और खाली कहेंगे आपका QR कोड डिस्प्ले कर दीजिए, जो भी पेमेंट करेगा QR कोड पे सीधा आपके खाते में जाएगा। कि डिजिटल बैंकिंग यूनिट बिहटा में केवल महिलाएं हमारी बहनें हमारी बेटियां इसको संचालित करेगी। पहले जहां गरीब लोग गांव के लोग बैंक में जाते थे बहुत दूर दूर, अब बैंक गांव में जा रहा है। व्यू है या पूर्णतः बेटियों के द्वारा संचालित होगी। उत्थान जब तक नहीं होगा तब तक इस राष्ट्र मंदिर का निर्माण नहीं होगा। बैंक में पड़े रहेंगे तो खर्चे से बच जाएंगे, आपको इंटरेस्ट भी मिल जाएगा। डिजिटल बैंकिंग यूनिट प्रारंभ किया है पूरे देश में 75, जिसमें बिहार में एक है जो मेरे संसदीय क्षेत्र बिहटा में। डिजाइन ही ऐसे किए गए, बनाए ऐसे गए हैं कि हम छोटे लोन की तरफ फोकस रखें। डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के मौके पर 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों का लॉन्चिंग करने की घोषणा प्रधानमंत्री के द्वारा की गई थी, जिसके तहत राजधानी से सटे बिहटा में आज सना स्मॉल फाइनेंस बैंक इकाई का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर बीजेपी के कई वरिष्ठ नेतागण मौजूद भी रहे। केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय, सांसद रामकृपाल यादव सहित अश्विनी चौबे भी इस कार्यक्रम में शामिल रहे। आइए इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के नेतागण, सुनते हैं। 75 DBU का शुभारंभ किए हैं, उद्घाटन किए हैं और बिहार के बिहटा में यह जो DBU है यह पूर्णतः बेटियों के द्वारा संचालित होगी और यह पहला DBU है जहां बेटियों के लिए संचालित होगी और इसका लाभ सबको मिलेगा। बैंकिंग की सुविधा होगी, डिजिटल सुविधा भी होगी और इसका लाभ मिलेगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत बहुत इसके लिए बधाई भी देता हूं, आभार भी व्यक्त करता हूं। क्रांतिकारी कदम है यह और माननीय वित्त मंत्री जी को भी बधाई देता हूं और यहां की बेटियों को मैं सराहना करता हूं कि बड़ी तन्मयता के साथ जिस लगन के साथ आज दिखी है माननीय प्रधानमंत्री जी के DBU के इस संकल्प को, जिसके माध्यम DBU के माध्यम से जो सुविधा लोगों को देना चाहते हैं प्रदान करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना बैंक के सभी अधिकारियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत ही प्रसन्नता का दिन है, जो पौधान अंतिम पौधान पर बैठे हुए व्यक्तियों का उत्थान जब तक नहीं होगा तब तक इस राष्ट्र मंदिर का निर्माण नहीं होगा। और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने पहले जहां गरीब लोग गांव के लोग बैंक में जाते थे बहुत दूर दूर, अब बैंक गांव में जा रहा है, ये सबसे बड़ी बात है, ये सबसे बड़ी बात है। और डिजिटल इंडिया का कमाल है कि डिजिटली पूरे देश में जो प्रधानमंत्री जी ने आज कहा है कि हर बैंक छोटे बड़े 100 व्यापारियों को, छोटे व्यापारियों को जोड़ो डिजिटल से। अपने जनप्रिय लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने आज पूरे हिंदुस्तान में एक नई सोच के तहत डिजिटल बैंकिंग यूनिट प्रारंभ किया है पूरे देश में 75, जिसमें बिहार में एक है जो मेरे संसदीय क्षेत्र बिहटा में है और ये छोटा सा शहर है। आपने देखा विस्तार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, निश्चित तौर पर ये सोच का परिणाम है और डिजिटल तौर पर ही बैंकिंग सेवा दी जाएगी और एक नए तरह का ये प्रयोग प्रारंभ किया गया है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का पुनः धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और ख़ास तौर पर एक बड़ी बात है कि डिजिटल बैंकिंग यूनिट बिहटा में केवल महिलाएं हमारी बहनें हमारी बेटियां इसको संचालित करेगी। ये भी एक नारी सशक्तिकरण का एक जो एग्जाम्पल है प्रधानमंत्री जी द्वारा वो भी दिख रहा है, बहुत सारे इससे लाभ होने वाले हैं, इससे मैं बहुत। तो जैसा कि आपने सुना कि जिस तरह से बीजेपी के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे को काफ़ी सराहा है, अब आइए सुनते हैं कि इस बैंकिंग के मैनेजिंग डायरेक्टर अजय कानवाल क्या कुछ कह रहे हैं। हम जना स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जो स्मॉल फाइनेंस का मतलब है ना, वो मतलब छोटे लोन। सो हमारी बैंक की पूरी जो ट्रेनिंग है, जो पूरे सिस्टम है, जो पूरे क्रेडिट पॉलिसी है, वो डिज़ाइन ही ऐसे किए गए, बनाए ऐसे गए हैं कि हम छोटे लोन की तरफ फोकस रखें।
और ये बात हम तो पिछले 4.5 साल से कर रहे हैं, क्योंकि हम पूरे इंडिया में हमारी बैंक ब्रांचेज हैं और हम यही हम ऐसे ही कस्टमर से फोकस रखते हैं जिनके पास छोटे लोन की इंटरेस्ट हो, मतलब उनको छोटा लोन चाहिए हो और उनको लोन मिलने में दिक्कत हो। तो वो प्रोग्राम हमारे पास अवेलेबल है, हमारा स्टाफ उसको इमिजिएटली, ऐसे आज ब्रांच लॉन्च शुरू हो जाएगा और आप देखिएगा हमारे बिहार में कम से कम 2 लाख कस्टमर हैं जो छोटे छोटे लोन ले चुके हैं, ज़्यादा करके लेडीज़ हैं। तो यही बीटा ब्रांच अब वही प्रोग्राम बढ़ाएगी आगे और आप देखिएगा बीटा में काफ़ी हमारा लोन का जो डिसबर्समेंट है वो बढ़ जाएगा। बिहार में अब तक कितने ब्रांच हो चुके? अभी 32 ब्रांच है और ये अभी आज 33 हो जाएगी। और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंटली करीबन 40% अनबैंक रूरल ब्रांच है, मतलब सिटीज़ में नहीं है, बड़े व्यवसाय के लिए नहीं है, पर रूरल एरिया में, ताकि रूरल एरिया को हम एड्रेस कर सकें। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक तो लोन हो गया, दूसरा सेविंग हैबिट, घर पैसे पड़े रहेंगे तो खर्च हो जाएंगे, बैंक में पड़े रहेंगे तो खर्चे से भी बच जाएंगे, आपको इंटरेस्ट भी मिल जाएगा, कभी इमरजेंसी होगा तो वो पैसा पड़ा रहेगा, आपने बच्चों के लिए सेविंग करनी है, कॉलेज के लिए सेविंग करनी है, घर बनाने के लिए सेविंग करनी है, तो बेस्ट है कि घर में पैसा ना रखे, बैंक में रखे। अभी DBU आने से वो आसान हो गया कि कोई भी आराम से आके पैसा रखे जना स्मॉल फाइनेंस बैंक में, उसको अच्छा इंटरेस्ट मिलेगा और पैसा भी सेफ रहेगा। छोटे व्यवसायी खासकर जो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े होते हैं उन्हें ऑनलाइन या फिर बैंकों की बहुत सारी जानकारियां नहीं होती है, उसमें बैंक के फ़ायदा उठाने में वो वंचित रह जाते हैं। तो ऐसे में जो लोग ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाते हैं, जिन्हें जानकारी नहीं होती है बैंक की, तो ऐसे में आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को अपने बैंकों में कैसे आकर्षित करें? बिल्कुल सही थी, हर चीज़ आसान की गई। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे आपका छोटी दुकान है तो आपने अकाउंट खोला, हम आपको एक QR कोड दे देंगे और खाली कहेंगे आपका QR कोड डिस्प्ले कर दीजिए, जो भी पेमेंट करेगा QR कोड पे सीधा आपके खाते में जाएगा, वो बहुत आसान हो जाएगा। जो उस पर कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ करंट अकाउंट खोलना है हमारे पास, आपको आपका QR कोड मिल जाएगा। आपने अगर सेविंग्स अकाउंट भी खोला तो आपको QR कोड मिल जाएगा। तो क्या है, उसमें टेक्नोलॉजी की ज़्यादा जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको उसको ज़्यादा करके यूज़ करना है और वो यूज़ करने से डिजिटल काफ़ी आसान है, पर हमारे लिए नया है। और डिजिटल सीखने के लिए कोई रूरल, एग्री, रिच, पुअर का कोई फ़र्क नहीं है। अदर स्टेट से क्या होगी, यहाँ डिफरेंस भी कुछ होगी बैंक? सो अब बेसिकली जो भी हमारी सर्विसेज है, जो बड़ी बड़ी सिटीज़ में है, चाहे बॉम्बे हो या बेंगलोर हो, एग्जैक्टली सेम सर्विस इन बीटा। पर यह एक एडिड एडवांटेज रहेगा, ये ऑल वुमेंस ब्रांच है, तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बैंकिंग में वो है कस्टमर कनेक्ट। आप जैसे आज और आप और मैं हैं, अगर हम किसी ब्रांच में जाने की सोचते हैं तो क्या सोचते हैं, वहाँ मुझे कौन जानता है, वहाँ अगर मैं जाऊँ तो मेरी बात सुनेंगे, मुझे आंसर मिलेगा या नहीं, करेक्ट? तो वो सॉल्व करने के लिए हमने ये ऑल वुमेंस ब्रांच शुरू की है बीटा में, ताकि जो कस्टमर की जो एजुकेशन है और कनेक्ट है वो बढ़ जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये डिजिटल इंडिया का जो ये चल रहा है, आह्वान चल रहा है, उस के तहत जिस तरह से इस कार्य को किया जा रहा है, प्रधानमंत्री की इस बात को किस तरह से आप देखते हैं, क्या क्या किस तरह से? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है इंडिया पूरे वर्ल्ड में जिस तरह डिजिटल बढ़ा रहा है, नंबर वन है, क्योंकि जो हमारा डिजिटल स्टैक है, चाहे वो बैंक ट्रांसफ़र हो, चाहे वो UPI हो, उसका कोई तुलना नहीं है, वो रियलिटी है। तो हमारे पास जो मशीन चाहिए वो मशीन है, अब मशीन यूज़ करने वाले बढ़ाने हैं। और मैं कहता हूँ इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा, बिकॉज सब चीज़ें आसान हो जाएंगी, तो आपको फिर सोचना नहीं है और ऑटोमेटिकली सबका फ़ायदा। अगर आपने बैंक में पैसे रख दिए तो आपको इंटरेस्ट मिला, पर बैंक को पैसे ले किसी लोन दे देगा, बैंक का भी फायदा हो जाएगा। तो ये जो इंडिया की इकोनॉमी बढ़ाने के लिए और सारे देश को डिजिटल करने के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है, और ये DBU आई थिंक इज़ अ फैंटास्टिक स्टेप। मुझे लगता है कि बहुत बैंक्स अब DBU शुरू करेंगे, क्योंकि ये एक नया तरीका बन जाएगा एजुकेशन का, एंगेजमेंट का और कस्टमर्स को बैंक में लाने का। कस्टमर्स के सारे फॉर्मेलिटीज़ पूरा कर देने के बाद आपकी बैंक कितने दिनों में फिनांस कर देगी? अरे, हमारे कुछ लोन तो आज सुबह आप EKYC और बात कीजिए, शाम में आपको सैंक्शन हो जाएगा। देखिए, आप कस्टमर और मैं कस्टमर किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे तो ज़्यादा रिटर्न नहीं है, जाते ही ऑर्डर दे तो खाना तो जल्दी आना चाहिए, वरना रेस्टोरेंट अच्छा कैसे होगा? तो वो हम समझते हैं। नॉर्मली अगर डिजिटल नहीं हो तो बड़ा मुश्किल होता, क्योंकि पेपर वर्क होगा, हेड ऑफिस जाएगा, अब सब कुछ डिजिटल है, मतलब अगर यहाँ से मैं कुछ लिख भी दूँ तो हेड ऑफिस तो बिल्कुल अगले सेकंड पहुँच जाता है, तो आंसर लेके वापस आ जाएगा अगर हेड ऑफिस जाने की ज़रूरत पड़ी तो। सो डिजिटल में कुछ लेट नहीं होना चाहिए और ना लेट होगा। काफ़ी कंपटीशन है सर, ऐसे में कंपटीशन को फेस करना बहुत बड़ी चैलेंजिंग होगी, किस तरह इस चैलेंज को आप स्वीकार करेगी आपकी बैंक?
देखिए हमारा एक ही फोकस है कस्टमर पे, और इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, जैसे मैंने कहा नॉट ओनली इंडिया, पूरे वर्ल्ड में फाइनेंशियल इंक्लूजन इज़ अ बिग इशू, और उसमें जितने बैंक आ जाए उतने कम है। हमें सिर्फ अपने प्रोडक्ट के कस्टमर की तरफ फोकस रखना कि जो हम लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो लोन बना रहे हैं, जो सर्विस बना रहे हैं उसके काम आ जाए, जो हमारा टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करना आसान हो जाए। अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो कॉल सेंटर फ़ोन करे, पर फ़ोन करे के तो उस लैंग्वेज में बात करें, तो हमारे कॉल सेंटर में बिटवीन 4 to 7 लैंग्वेज लोग बोलते हैं ताकि कोई फ़ोन करे तो आराम से आंसर कर पाए। तो मुझे लगता है कि देखो कॉम्पिटिशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, सिर्फ कस्टमर पर फोकस रखो। अगर कस्टमर आपको ट्रस्ट करेगा, उसको पता है कि मेरे को यहाँ जाने सारी सुविधाएँ मिलेगी, मेरे को कम्फर्ट है, तो हर बैंक अच्छा करेगा। तो जैसा कि आपने सुना कि ये प्रधानमंत्री की योजना है और प्रधानमंत्री का लक्ष्य है कि गांव-गांव और छोटे व्यवसायियों को बैंकिंग सेवा से जोड़ना और डिजिटल करना, जिससे कि जो आज ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले छोटे व्यवसायी हैं जो कि बैंकिंग की सेवा को लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, वैसे लोगों को लाभ प्रदान कराने के लिए इस तरह का बैंकिंग सेवा का विस्तार किया गया है। कैमरा पर्सन हीरा के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, IBTV पटना। आइए दिए जलाएं, इस दिवाली घर के हर कोने को रोशनी से जगमगाएं और अंधेरे को दूर भगाएं। हर घर को मजबूत और रोशन करें इस दिवाली पर सिर्फ टफकॉन के साथ। शुभ दिवाली टफकॉन, द ओनली सील फॉर टफ कंस्ट्रक्शन।